मेरा टेबल सज चुका है। सो व्यूअर्स, मेरे ये पेस्ट्रीज आ चुके हैं। दिस इज़ द ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री एगलेस एंड दिस इज़ द फ्रेंच बिस्किट पेस्ट्री, अगेन इट इज़ एगलेस एंड दिस इज़ द मिक्स वेज क्रोशॉन एंड दिस इज़ द पनीर टिक्का सब। इस पेस्ट्री का नाम है इम्पीरियल और ये भी एगलेस है। हेलो फ्रेंड्स, मैं इस बेकरी में अब ये सारा टेस्ट करने वाला हूँ जिसके बारे में मैंने बहुत सुना था। सो आई स्टार्ट विद द सॉल्टी थिंग्स, सेवरी थिंग्स फर्स्ट। सो दिस इज़ अ वेज क्रोशॉन। सो ये मैं ट्राई करने वाला हूँ। इट्स गॉट सो मच ऑफ सॉसेस, जस्ट सी। बहुत ही अच्छे से इसको स्टफ किया हुआ है वेजीज से और बहुत ज़्यादा अच्छी सॉसेज यूज़ किए हैं। खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है इसकी। इसमें ऑलिव, एलिपिनोस, रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, लाइट मस्टर्ड, थाउजेंड आइलैंड सॉस। रिफ्रेशिंग टेस्ट इसका, टॉप क्वालिटी, फ्रेश ब्रेड है, फ्रेश वेजीज हैं और साथ में जो सॉसेज यूज़ किए हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। अब मैं ट्राई करूँगा इसका पनीर टिक्का सब। पनीर के पीसेस बहुत ही बड़े हैं और अगेन फ्रेश वेजीज हैं, ब्रेड बिल्कुल फ्रेश है और सॉसेस बहुत अच्छे से डाली है। देखिए ये जो पनीर का साइज है, ये आप देखिए, इट इज एज बिग एज अ नॉर्मल पनीर टिक्का जो आपको मिलता है ना पंजाबी रेस्टोरेंट में। पनीर टिक्का का साइज ये वही साइज है, ऑथेंटिक टेस्ट है जो पनीर टिक्के का होना चाहिए। और साइज इतना बड़ा सीरियसली मैंने फर्स्ट टाइम देखा एक सैंडविच के अंदर, पनीर टिक्के का साइज। सीरियसली आई एम लविंग इट। अब मैं पेस्ट्रीज पे आता हूँ और ये सारी एगलेस मैंने चूज की है। सो दिस इज द फ्रेंच बिस्किट पेस्ट्री। अंदर से भरी पड़ी है और जो क्रीम यूज किया, देखो लेयर, देखो बीच का लेयर, सेंटर लेयर देखो, सिर्फ ऊपर से ही कवरिंग नहीं है, अंदर से पूरा ठूस दिया है क्रीम को। एंड द केक इज वेरी मॉइस्ट क्योंकि जो चॉकलेट है वो पूरा अंदर तक एब्जॉर्ब कर लिया है केक में। Thank you.
इसका पेस्ट्री का लेयर है, उसके नीचे आपका क्रीम है, और उस क्रीम के अंदर इन्होंने चेरीज को चॉप करके डाला हुआ है बीच में। जब भी आप बाइट लेंगे तो ब्रेड के साथ साथ क्रीम और फिर चेरी भी आएगी आपको। ये देखिए हर एक लेयर में चेरी इन्होंने इंसर्ट करी हुई है। Thanks for watching.